एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, घर के अंदर पड़ी हुई थी मृत अवस्था में, और देखने से ऐसा लग रहा था कि एक दिन पूर्व ही उसकी हत्या हुई है। इस प्रकरण की तहकीकात करने पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाने पर कि उसके गला घोट के हत्या हुई है, ये बात सामने आई कि उसी की गोद ली हुई बेटी जो कि कम उम्र की है, नाबालिग है, और उसका एक मित्र वो भी नाबालिग है, ने मिलकर उनकी हत्या की है। उनकी बेटी के दिल में ये बात थी कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती है, और क्योंकि उसकी माँ उस पर रोक टोक करती थी, उसके घूमने फिरने पे लगाम लगाती थी, इसलिए उसने अपने दोस्त की मदद से उसकी माँ द्वारा उसको पुनः टोकने पर उनकी हत्या कर दी। जैसा बताया जा रहा है कि शनिवार रात को शायद इनकी हत्या हुई थी, और पूरे दिन इतवार को बॉडी उनके घर में पड़ी रही और लड़की माँ के बीमार होने का बहाना करती रही, लेकिन सोमवार को जब उनके कुछ रिश्तेदारों को जानकारी हुई तो इस बात का खुलासा हुआ। किस क्लास में पढ़ रही है? लड़की, जैसा मैंने अभी कहा, नाबालिग है, क्लास 7 में पढ़ रही है, और उसका दोस्त भी क्लास 9 में पढ़ रहा है। दोनों लोग गिरफ्तार हैं और जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।